My guest on Carry On Shikhar tonight is someone who has done India immense proud on the world stage and is now earning new laurels in the Hindi film industry. Ladies and gentlemen, please welcome Miss World 2000, Priyanka Chopra. शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले ये बताइए, कल से आज तक में नया क्या है आपकी जिंदगी में? कल क्या नया था, आज क्या नया है? रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है, तो आई कांट रियली. आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आज नया क्या हुआ या क्या होना चाहिए था, तो क्या जवाब होगा? बस नई नई फिल्में हो रही है, नए लोग मिल रहे हैं. आज कोई नई फिल्म साइन की? आज नहीं, कुछ दिन पहले. कुछ दिन पहले? नहीं, तुमने तो फिल्मों का आप गोदाम बना लिया है ना. लोगों के पास दो चार किटी होती है, दो चार फिल्मों की या पांच. प्रियंका के पास फिल्मों का गोदाम है. नहीं, बहुत सारी फिल्में कम वक्त में. नहीं, बहुत अच्छी बात है. जब तुमने फिल्में साइन करनी शुरू की थी तो कुछ वक्त ऐसा लगा कि प्रियंका को आने में बहुत देर हो रही है, लेकिन जब आई तो इस तरह से आई कि हर जगह प्रियंका 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 प्रियंका. प्रियंका का एक गोडाउन है जिसमें बहुत सारी फिल्में हैं. उस गोडाउन में से वो कौन कौन सी फिल्में हैं जो तुम जिसके बारे में बात करना चाहोगी? अभी मेरी जो रिलीजेज आने वाली हैं वो उनमें से एक है प्लान, जो मोस्ट रिसेंटली आएगी. इट्स अ मल्टी स्टारर जिसमें संजय दत्त हैं, समीरा रेड्डी है, दिनो मौर्या है एंड क्वाइट लॉट ऑफ पीपल. अंदाज में, अंदाज से बहुत कुछ हुआ और अंदाज में प्रियंका का एक नया अंदाज देखने को मिला. लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो फिल्म जो थी वो सिर्फ तुम्हारे और लारा की वजह से चली, अक्षय की वजह से बिल्कुल नहीं चली? नहीं, अक्षय के साथ फिल्में कर रही हो लगता है. जी नहीं, नॉट जस्ट बिकॉज़ दैट, क्योंकि तीनों की केमिस्ट्री अच्छी थी. वी बिकेम फ्रेंड्स ऑन सेट. फिजिक्स अच्छी? यू नो, नहीं, केमिस्ट्री अच्छी थी. केमिस्ट्री भी अच्छी थी, तो एक साथ पढ़ने में बड़ा मजा आया था. एक साथ लैब में रहने में बहुत मजा आया था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं. लेकिन अक्षय को उस फिल्म से इतना फायदा हुआ जितना उसको अपनी फिल्म से नहीं हुआ था. अपनी यानी कि ये तुम लोगों की फिल्में मानी जा रही थी ज्यादा, कि इसमें जो प्रतिस्पर्धा जो प्रियंका और लारा के बीच देखने को मिलेगी, और लारा यूनिवर्स मिस यूनिवर्स थी, आप मिस वर्ल्ड थी, तो एक क्लैश ऑफ द टाइटन्स, सो कॉल्ड टाइटन्स जो है, ऐसा कुछ, ऐसी कोई भावना थी, कॉम्पिटिशन की भावना थी? एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मिस इंडिया के टाइम से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं. सेम साल मिस इंडिया जीते, सेम साल मिस वर्ल्ड जीते, अपनी पहली फिल्म एक साथ की, अपना पहला शो एक साथ किया. तो लारा में हमेशा से एक दूसरे को जानते रहे एंड वी बीन क्वाइट गुड फ्रेंड्स. तो ऐसा हम लोगों को लगता नहीं है. आई मीन ऑन सेट एंड एवरीथिंग, व्हेनेवर वी आर टुगेदर, हम लोगों को साथ में देख के आप यू नो वी गिगलिंग लाइक स्कूल गर्ल्स एंड वी बी लाफिंग. वो तो कैमरा के पीछे, कैमरा के आगे, कैमरे के आगे तो नो, दिस हेल्दी कंपटीशन कि माइंड शुड बी गुड. जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा होना चाहिए. ये नहीं सोचती उससे अच्छा होना चाहिए, कैसे बिगाड़ू. नहीं बिगाड़ू नहीं, लेकिन उससे अच्छा होना चाहिए. वो तो सबका होता है ना, होता है ना, कि मतलब मुझे लारा से अच्छा करना. इट्स हेल्दी. ऐसा ही बताया गया है कि आपके और लारा के जो कपड़े थे फिल्म में वो सिर्फ एक ब्रीफकेस में आ गए थे. एक्चुअली आठ नौ सूटकेसेस में आए थे. आठ नौ सूटकेसेस में वो ब्रीफकेस आया होगा जिसमें कपड़े थे. नहीं, ऐसा नहीं था. अच्छा, ये एक जो ट्रेंड शुरू किया, यू कैन कैरी ऑफ यू नो मिनिमल क्लोथ्स वेरी ग्रेसफुली, जो कि सबके बस की बात नहीं होती. लोग अक्सर पहले कहते थे कि जब हिंदुस्तानी लड़कियां कम कपड़े पहनती तो अच्छी नहीं लगती, पर बाहर की लड़कियां क्यों अच्छी लगती हैं? बाहर बिल्कुल खराब नहीं लगता, बट यू हैव स्टार्टेड दिस ट्रेंड कि आप जब कपड़े कम पहनती हैं उसमें भी अच्छी लगती हैं. आर यू गोइंग टू कंटिन्यू दिस ट्रेंड? First of all, I don't think you have a beautiful figure, so you can. No, it's not about minimal clothes as such in Andaz. The kind of, at least for my character in that film, I played a very modern girl. Mera character aisa tha ki, you know, usko kisi na kisi tarah chahiye tha bas, raag chahiye tha, kahin se, by hook or by crook. That's how she was. She was brought up abroad, and wo thi aisi. Lekin meri har film mein aapko same cheez nahi milegi. Ab jab tum itni sari filmein kar rahi ho, tum keh sakti ho bejhijak ke ekdum bilkul ab फिल्म इंडस्ट्री का अंदरूनी हिस्सा हो, मतलब एक अभिन्न अंग हो? नहीं, ऐसा कोई कभी नहीं कह सकता. Nobody is indispensable. कोई भी कभी भी नहीं, not that way. मतलब, do you feel that you completely belong to the industry now? क्योंकि शुरू में नया कुछ करना ही नहीं आता.
आई डोंट थिंक आई कैन डू एनीथिंग एल्स एनीमोर. अब जब पीछे मुड़ के देखती हो तो क्या लगता है, कुछ यादें हैं? हाउ डू यू रिलेट टू बीइंग मिस वर्ल्ड 2000? कुछ कनेक्शन है कहीं या बिल्कुल तोड़ लिया कि एक नहीं, नहीं. एक पास्ट में कहीं था, हो गया, खत्म हो गई बात. मेरी जिंदगी का सबसे हाई पॉइंट मिस वर्ल्ड बनना था, क्योंकि ऐसा वक्त देखने को मिला, ऐसे लोग, मेरी फैमिली मुझसे कितनी प्राउड थी, लोग कितने खुश थे, मैं कितनी खुश थी. एक अचीवमेंट का भाव एट 17 एट 18 टू बी अ मिस वर्ल्ड वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. और तुम लोग के वक्त तो आसान था, मदर टेरेसा थी तो उनके बारे में काफी कुछ बोला जा सकता था. अब वो जब नहीं रही तो लड़कियों को क्या बोलना चाहिए, किस चीज के बारे में बोलना चाहिए? क्यों मदर टेरेसा को अभी भी बोल कह सकते हैं? हाँ. अगर आप उनको एडमायर करती हैं तो इट्स नॉट स्टैंडर्ड आंसर्स, इट जस्ट हैपेंस. ओके, इट जस्ट हैपेंस. फिल्मों में इतना बिजी रहने के बाद पिछली बार जब तुम मेरे शो में आई थी, गलत शो में, तो तुमने गाना गाया था, तुम कविताएं भी लिखते हो, तो वो शौक नहीं बरकरार है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, सिर्फ फिल्में और कुछ नहीं? गाना गाने का मुझे शौक है, रियाज नहीं किया है. कुछ नया गाना जो है वो रियाज किया? नहीं, वही पुराना. नहीं, हमने गाने का रियाज किया ही नहीं बड़े दिनों से. अब मैं डांस शुरू कर दिया मैंने, इट्स बीन अ ईयर एंड अ हाफ. आई हैव बीन लर्निंग कथक फ्रॉम माय गुरुजी पंडित गुरुकृष्ण, एंड नाउ दैट्स बिकम माय न्यू पैशन. और क्या पैशन है जिंदगी में जिसको तुम परसू करना चाहती हो? रीडिंग परसू करना चाहती हो? अब रीडिंग भी है तो रीडिंग का वक्त तो मिलता नहीं होगा तुम्हें? नहीं, निकाल लेती हूँ. हीरो बुरा नहीं मानते, हीरोज को सबसे ज्यादा कोफ्त तब होती है जब हीरोइन जो है पढ़ती हैं. यार ये तुम खाली वक्त में थोड़ा किताबें क्यों पढ़ती हो, बातें क्यों नहीं करती अक्सर? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, मेरा फ्री टाइम सेट पे भी फ्री टाइम गोस. नो, आई एम वेरी बैड एट दैट. मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाती, लोग क्या सोचते? बहुत ज्यादा. पर इंडस्ट्री में कोई गिला कोई शिकवा नहीं है? कभी ऐसा नहीं लगा कि तुमने किसी पे भरोसा किया या किसी पे निर्भर हुई? और किसी पे किया क्यों नहीं? भरोसा करना नहीं चाहती? करना क्यों चाहिए? भरोसा करना चाहिए जिनके साथ, लोगों के साथ काम कर रही हो, उनके टैलेंट पे भरोसा है, उन जो प्रोजेक्ट बन रहा है प्रोजेक्ट पे हमेशा भरोसा रहा है. लेकिन लोगों पे भरोसा करने क्या, अपनी यू नो पर्सनल जिंदगी थोड़ी ना इन्वॉल्व करनी है, तो फिर क्या जरूरत है भरोसा करने? अपने आप पे भरोसा होना चाहिए मैक्सिमम. अपने आप को इतना बुलंद बना लो कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके. बहुत खूब. आप हमारी देखा, इसलिए बनी थी मिस वर्ल्ड. अब आप हमारी नेबर हो गई हैं. डू यू बिलीव इन द एडेज लव दाय नेबर? और नेबर होने के नाते आप मुझे एक क्या सलाह देना चाहेंगी? शेखर बी गुड सिंस यू आर स्टेइंग इन द सेम बिल्डिंग, बी नाइस. मैं आपको बहुत सारी चीजें करते हुए कैच कर सकती हूँ, तो बी गुड टू मी, यू बी गुड टू मी एंड आई विल बी गुड टू यू. थैंक यू सो मच. दैट वाज द गॉर्जियस फॉर्मर मिस वर्ल्ड 2000 एंड नाउ एन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा. एक खबर के मुताबिक हमारी टीम के